नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपके चैनल हमारे चैनल लार्चिस गेमर ओपी में। और आज हमारा ब्लिट्स टूर्नामेंट का 12वां मैच जो कि होगा क्यूईज के साथ। जी हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच नंबर 12 ब्लिट्स टूर्नामेंट। सफ़र यहाँ से आसान नहीं होगा, आप समझ रहे होंगे ये बंदा मजाक कर रहा है। अब तक हाँ जीत गए हम इजीली, लेकिन इस बार थोड़ा संभल के खेलना होगा क्योंकि एंड में जीत चाहिए, ना कि हम स्टाइल से जीते या कैसे भी जीते, जीत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम आज खेलने जा रहे हैं ब्लिट्स टूर्नामेंट का 12वां मैच न्यूजीलैंड के साथ। और ये रहा दोनों के कप्तान कोहली और विलियमसन, फायर वर्सेस आइस। आज हम जाएंगे टेल्स के साथ, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। टॉस बड़ा रोल प्ले करेगा और आज भी हम टॉस जीत चुके हैं और वही करेंगे। जिसको याद नहीं है, MS धोनी का वही रनआउट 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ बहुत सारे लगभग 130 करोड़ के दिल टूटे और बहुत ही मुश्किल पल था। न्यूजीलैंड एक बहुत ही जेंटलमैन टीम में बोलूँगा, खेल को हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलते हैं और हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। दे आर अनलक्की, ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं जीते हैं, लेकिन आज उनके पास एक मौका है आगे बढ़ने के लिए। अभी के लिए राष्ट्रगान होते हुए, और ये रहा दोनों ही टीमों का राष्ट्रगान। और अभी हम बढ़ेंगे बॉलिंग के लिए। बहुत ही अच्छी कॉन्टेस्ट होने वाली है, इतना भी आसान नहीं होगा भारत के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से आ जाइए, भारत को सपोर्ट कीजिए और उम्मीद करते हैं भारत अच्छा प्रदर्शन जारी रखेगा। आज भी जाएंगे हमारे फॉर्म बॉलर भूमि के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। उनकी जो गेंदबाजी है वो बैट्समैन को चौंका रहा है, बॉल बिल्कुल भी उनका पड़ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। और पहली गेंद आउट फिंगर गेंद, जैसे कि आपको मालूम है मैं फील्डिंग चेंज नहीं करूँगा। और ये देखिए पहली गेंद पर रन, बड़ा शॉट नहीं। ऑपोजिशन क्या प्लान में उतरा है देखना पड़ेगा। ये एक रन मिला और अभी आए हैं बल्लेबाजी के लिए निकोल्स, फिर से आउट स्विंग करेंगे, वही है भूबी की स्ट्रेंथ। देखते हैं बड़ा शॉट के लिए जाएंगे या नहीं। जी नहीं, अभी भी खेल रहे हैं फील्डर के पास ग्राउंड स्ट्रोक। भूबी ने बदला अपना डायरेक्शन, इस बार भी आउट स्विंग करेंगे। तो ये एक एंगल मिलता है बल्लेबाज को और ये देखिए उठाया है, लेकिन क्या आउट होगा? जी नहीं, आगे गिरते हुए फील्डर से और दो रन कंप्लीट करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। तो जैसे मैं बोलता हूँ, ओवर द विकेट आने से एक एंगल मिलता है लेफ्ट हैंडर को, वहीं से अगर आउट स्विंग होता है तो आउट हो सकते हैं। लेकिन अब तक स्पेशल गेंद नहीं है, इस बार भूबी उसी पॉइंट से ही इन स्विंग करने की कोशिश करेंगे। और इस बार किया लेकिन स्ट्रेट टू द फील्डर, कोई रन नहीं। इस पर स्पेशल गेंद, रिवर्स स्विंग करने की कोशिश, स्पेशल गेंद, यॉर्कर जैसी गेंद, देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेट बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं, फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। और इस बार करेंगे सीधी गेंद, भूबी की यही खासियत है मिश्रण करते हैं। और ये उठा दिया है गैप में और शायद चौका मिलेगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा शॉट गैप में खेला, छक्के की उम्मीद में आए थे, लेकिन बहुत ही आला बैटिंग और फील्डर के ऊपर से टाइमिंग सही से नहीं हुआ शायद, लेकिन रन्स मैटर करता है। इसलिए पहली ओवर की समाप्ति पर 7 रन बिना कोई नुकसान। अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे हमारे कुल के दीपक। कोशिश यही रहेगी कि आज, ओ ये पहली गेंद पर नो बॉल, ओ हो गलती हो गई, नो बॉल पर मिला शायद एक रन या दो के लिए जाएंगे, एक ही रन मिलेगा। तो अभी फ्री हिट, यही हमारी प्रॉब्लम रही है, नो बॉल। एक गेंद पर मैच चेंज हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस बार स्पेशल गेंद, दूसरा की कोशिश,
क्या आउट होगा? ओहो, अरे ये वाइड कैसे दिया? वाइड नहीं होना चाहिए था। फिर से स्पेशल गेंद, इस बार करेंगे टॉप स्पिन उसी जगह पे। लगातार स्पेशल गेंद पे स्पेशल गेंद। ओ, बहुत ही अच्छी गेंद, बैट्समैन को थोड़ा चौंकाते हुए, इसीलिए एक ही रन मिलेगा। और खराब अंपायरिंग में बोलूंगा, पिछला का पिछला गेंद। और ये फिर से स्पेशल गेंद, इस बार करेंगे फ्लिप पर गेंद, देखते हैं क्या होता है। ओ, स्ट्रेट टू द फील्ड। इस बार करेंगे सीधी गेंद, वही जगह पे आर्म बॉल, वही जगह पर खेला, कोई रन नहीं, प्रेशर में कपटिल, 4 गेंदों में 2 रन। और ये फिर से स्पेशल गेंद, लेकिन इस बार दूसरा, क्या विकेट मिलेगा? ओ, नहीं मिला, पर रन्स कितने मिलेंगे? शायद 2 के लिए जाएंगे, चौका भी हो सकता है। नहीं, ये देखिए, क्या 3 रन लेंगे? लेना चाहिए, नहीं लिया, समझ से परे। आपके पास 10 विकेट साथ में है, लेकिन फिर भी आप प्रेशर में नहीं खेल पा रहे हो। इस बार फिर से स्पेशल गेंद, क्या विकेट मिलेगा? ओ नहीं, स्पेशल गेंद पर बचते हुए, लेकिन ज़्यादा रन नहीं कर पा रहे हैं, और उसी के कारण वो 14 रन ही बने हैं। और मुश्किलें ही मुश्किलें, अगर ये गेंद पर चौका या छक्का नहीं मिलता, भारत के लिए आसान टारगेट होगा क्या? नहीं, क्या कर रहे हैं बल्लेबाज, मतलब AI। अरे यार, शॉट तो खेलो। टारगेट होगा 16 रन, और भारत के पास मौका आगे बढ़ने के लिए। फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे हमारे 2 महारथी, ब्राह्मण दोस्त हमारे शर्मा जी और हमारे गब्बर। थोड़ा सा लेग स्पिन करने की कोशिश, और ये उठा लिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ओवर द बॉल, ओवर द फील्ड, 38 सर्कल के 4 रन्स के लिए। ऐसे शॉट जब बल्लेबाज खेलते हैं, बॉलर के कॉन्फिडेंस का धज्जिया उड़ जाता है, क्योंकि देखिए स्पिन ट्रैक है, लेकिन रोहित को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया बैटिंग। फिर से जाएंगे उसी दिशा पर या अलग दिशा पर देखना होगा, और ये उठा लिया है फिर से, क्या ऊपर तक विकेट जाएगा? आउट, ओ आउट हो गए हैं, विलियमसन ने कैच पकड़ लिया है। बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू वेस्ट इंडीज, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड को, और गलती गलती गलती, टाइमिंग नहीं हुआ, और उसी के कारण आउट होते हुए। अभी हमारे सोड मास्टर आएंगे, देखते हैं सर क्या कर सकते हैं। ओ, स्टंपिंग होगा क्या? मुश्किल ही मुश्किल है भारत के लिए, लगातार क्या 2 बॉल में 2 विकेट गिरेगा? देखना होगा, फसाया। ओ भाई, ओ ये आउट, आउट आउट हो गए हैं जड्डू, सॉरी धवन, गब्बर आउट होते हुए, हवा में है बैट, उसी के कारण विकेट मिलती हुई, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। और अभी हैट्रिक में है इशोरी, जी हाँ, लेकिन क्या हैट्रिक मिलेगा? जी नहीं, यह चौका हो जाएगा, चौका मिला, प्रेशर में थे ज्यादा, लेकिन प्रेशर बैक टू द बॉलर, बहुत ही अच्छा बैटिंग, और इसे ही कहते हैं साहस की खिलाड़ी। और ये फिर से उठा लिया है, परफेक्ट स्ट्रोक, मैच खत्म शायद न्यूजीलैंड के लिए, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है। देखिए क्या ही लाजवाब छक्का मारा, और बहुत ही फुल टॉस गेंद थी, उठाया मिड विकेट की दिशा पर, 6 रन। अब बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैच लगभग समाप्त होते हुए, और ये उठाया विनिंग स्ट्रोक, मैच खत्म, भारत आगे बढ़ते हुए 2019 का सेमीफाइनल का रिवेंज लेते हुए, और बहुत ही स्टाइल से जीतते हुए, और आगे बढ़ते हुए। तो ये रहा आज का सिलसिला। तो आज प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत ही खुश है हम, जितने भी बंदे चैनल में हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, और ये रहे हमारे ज़्यादा ब्रेव गाय।
वॉज वन द मैन ऑफ द मैच। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए।